तो भाई देखो, हेलो बोलो, हाँ आवाज आई? हाँ हाँ आ रही बिल्कुल नहीं आई ना, भाई, क्रिस्प आवाज आई बिल्कुल तुम साफ। एकदम एकदम बिल्कुल साफ। अंदर जाता जा रहा पूरा, रात जा रहा में ये है। भूतिया पैलेस भी हो जाता है। अच्छा हाँ आवाज आती है क्या? आवाज आती है यहाँ पे, कोई यहाँ रहता नहीं सुनाई है। नहीं आ रहा यहाँ पे एक क्या? चौकीदार की जगह है, लेकिन वो रात को रहता नहीं, डर से। यो 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 मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना बूम गौरव जोन। तो भाई अभी अपन लेट हो रहे हैं क्योंकि अपने को ना एक बढ़िया चीज के लिए जाना है। चले मम्मी? हाँ, तो अभी गाड़ी में बैठ के बता दो फटाफट। अभी हम आए हैं पोटा कली जी को लेने, उसका वेट कर रहे हैं। पोटा कली जी आएगा और वो ना एक सरप्राइज लेके आ रहा है हमारे लिए। दिखाता हूँ क्या सरप्राइज लेके आ रहा है। और फिर ना हमें जाना है कहीं दूर। पोटा कले जी, पोटा कले। आज को गाड़ी में से कुछ चीज मिले, डॉक्यूमेंट क्या है भाई? ये बायो डाटा। किस चीज का शादी का? याद है, तीन चार ब्लॉग पहले मैंने बनाया। क्या है अमेरिका शीर्षा? अच्छा। रिलीजन हिंदू, कास्ट ब्राह्मण, सेक्टर अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन नेम यूट्यूब। एम्प्लॉय नहीं, बिजनेसमैन लिखना चाहिए था भाई। हाँ। प्राइवेट सेक्टर लिख दिया, एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अरे मम्मी, मम्मी ने बनाया, इतना कलाकार तो मम्मी है। बना तो दिया ना, तेरी शादी तो हो जाएगी इस प्रूफ से। हाँ देखते हैं कितनी हो रही है भाई। रिश्ता भेज दो, मैं जो भी मेरे से इंटरेस्टेड है मेल कर देना मेरे को, ये नहीं मेल आईडी। अभी अपन व्लॉग कर रहे हैं आकाश के कैमरे से, और ये देखो क्या सही है यार। हाँ, हाँ, क्वालिटी बढ़िया है। हाँ भाई पीछे बोलियो। हेलो, चेक चेक चेक। तो भाई क्वालिटी अच्छी है, बट इसका लेंस ना मतलब ज्यादा जूम है। कितना है? 28 है। तो अभी क्या इसका 28 mm का लेंस है, मतलब ज्यादा ना जूम आउट नहीं बना सकता। मेरा क्या 16 mm है लास्ट। हमें तो बेसिकली वाइड चाहिए होता है, वाइड लेंस भी लूंगा। हाँ तो अभी मैं, मेरे पे है ना वाइड लेंस, तो मैं अभी 16-35 का लगा के दिखाता हूँ। तो भाई अब ये देखो, ये मेरा लेंस है भाई। अभी ये ना थोड़ा वाइड है। और भाई क्या क्रिस्प आ रही है भाई। इसका अपर्चर 4 था, मेरा 2.8 है। तो ना 2.8 जितना कम होता है ना अपर्चर, उतना पीछे का ब्लर मारता है। तो अभी 2.8 में ये देखो भाई पीछे का कितना ब्लर। मम्मी यार क्या कैमरा, मम्मी यार साले तूने चस्का लगा दिया मेरे को यार। ले ले, ले लो, तो कह रहा हूं बहुत सही है। नहीं भाई मेन पता है मजा किस चीज में? किसमें? अब तुम्हें अपनी शक्ल दिख रही है। हाँ मेन यही है। A73 ना बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया मेरे पे। A73 मिल रहा था बट मैंने लिया नहीं। अच्छा तो मिल रहा था फिर मैंने लिया नहीं, मैंने छोड़ा। भाई देखना मम्मी, मेन चीज ये है कि भाई इसमें ना पूरा ये दिखता है। तो भाई अभी अपन आ गए हैं एक जगह, तो हम आए भाई से मिलने। क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, फाइनली मिली लिया है। फाइनली यार, तो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट के लिए, तो आज अपने को टाइम मिला है, तो अभी करते हैं पॉडकास्ट। तो ऊपर चलते हैं आज। तो आ गए हैं अंदर। बस मेरे को मम्मी का डर है पॉडकास्ट में क्या बोले क्या ना बोले। ज्यादा नहीं बोलना मम्मी को, मैं सिखा के लाऊं। मम्मी मम्मी कह रही ये क्या चीज हो गया पॉडकास्ट। मैंने कहा होती है, एक बढ़िया चीज होती है, चलना बस क्वेश्चन आंसर होंगे अपनी लाइफ के बारे में। आ जाओ भाई, 80-80 किलो का वेट है। अच्छा ये नॉइस के लिए होगा कि बाहर ना जाए? ये साउंड प्रूफ है। अच्छा तो अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन भी होती होगी यहाँ? हाँ। अरे बहुत बढ़िया भाई, देखो पॉडकास्ट का सेटअप ऐसे होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। बैठो माता जी बैठो। तो भाई देखो, हेलो बोलो। हाँ आवाज आई? हाँ हाँ आ रही। बोलो कैसी आ रही है भैया? एकदम एक नंबर आ रही है भाई, बिल्कुल क्रिस्प क्रिस्प आ रही है। चलो आ जाओ एक करके चलो। भाई बड़ा सही सेटअप है यार भाई, क्रिस्प आवाज आई तुम एकदम बिल्कुल साफ। हमें तो ऐसा लग रहा था मैं अकेली बोल रही हूँ। नहीं नहीं एकदम, कोई नॉइज नहीं कुछ नहीं। तो अभी बैठते हैं और करते हैं स्टार्ट। आप इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत है नहीं, बट मैं चाहूंगा आप अपनी जर्नी यूट्यूब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा सा एक बार जनता को बताओ। ठीक है, तो भाई ये मतलब अजीब सी स्टोरी है। मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मैं कभी यूट्यूब पे आऊंगा। मैं कर रहा था इंजीनियरिंग, कर रहा मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक ठाक। तो भाई अभी अपन ने ना मतलब पॉडकास्ट शूट कर लिया, काफी अच्छा गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं व्लॉग में शेयर नहीं कर पाता आप लोगों को, चुप बैठ जाता हूँ कि छोड़ो क्या ही जवाब देना इस चीज के। थैंक यू मेरे भाई। तो इस पॉडकास्ट में मैंने सारी दिल के भड़ास निकाल दिया भाई, जो मैं बोलना चाहता था लोगों से सब बोल डाला। नहीं सब एकदम। तो भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ जी भाई बताओ किस नाम से चैनल को सब्सक्राइब करना है? बीयू मेरा चैनल का नाम है, बीयू विद परम। स्क्रीन पे आ रहा है, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट हाँ। करो और देखना बहुत सारे यूट्यूबर्स के इन्होंने पॉडकास्ट करे हैं, तो सबके बारे में जानोगे। तो कब आएगा? सैटरडे। सैटरडे आ जाएगा भाई, तो सैटरडे को देखते हैं। और अभी अपन चलते हैं कपिल भाई के पास। तो भाई मम्मी को अपन ना यहीं उतार के जा रहे हैं मौसी के घर। ठीक है मम्मी, आते वक्त ले जाऊंगा आपको। वहां रहती है मौसी मेरी। तो अभी है नहीं नहीं छोड़ो मैं जा रहा हूँ। अभी का सीन ऐसा है, हमें ना जाना है सूरज कुंड, क्योंकि हम एक हॉन्टेड हवेली जा रहे हैं। तो ना मम्मी को ले आना ठीक नहीं था,
तो मम्मी को मैंने बहाने से यही छोड़ दिया है, बेल्ट लगा लूं। तो भाई अभी चल रहे हैं समोसे। तो अभी हम मैं आया था कपिल भैया और प्रशांत भैया के ऑफिस। क्या हाल है? तो कपिल भैया अभी गए फिर वो आ रहे हैं ना, वो एक अच्छी सी जगह लेके जा रहे हैं। कहाँ चलने वाले हैं अभी अपन? हम जा रहे हैं सोना। वहाँ है क्या? बस वहाँ देख के ही बताएंगे आपको। बहुत सही बात बोली, वहाँ एक प्राचीन चीज है भाई, देखनी चाहिए आपको। अभी चलते हैं। तो आज मैं सो बिना खाए निकल गया था, तो मैंने भैया को बोला, मैंने यार भैया भूख लग रही है। मैं ना मतलब बोल देता हूँ यार दोस्त यार हो है ना, खाने के लिए शर्माना नहीं चाहिए यार कभी। आएंगे भैया, मैं तो बोल देता हूँ भैया यार भूख लग रही है, समोसे मंगा दो भाई प्लीज। तो इन्होंने मंगा लिए थे मैंने। भाई अभी मैं आ गया था कपिल भैया के ऑफिस के नीचे। तो ये रही इनोवा, ये रही रिंकू भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई, अपने सारे रिंकू भी याद हो कर रहे हो चले चलो भाई, चल रहे हैं भाई, एक जगह लेके चल रहे हैं अपने को ये। तो अंदर बैठते हैं। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं इनोवा में। भैया कह रहे थे यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित हुई। हाँ अरे भाई भाई हनुमान जी की भाई बहुत बड़ी मूर्ति है, दिल्ली की सबसे। जय बजरंगबली की भाई, जय श्री राम, जय बजरंगबली की। वो कह रहे थे भैया दिल्ली में ना सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ बन रही है, सूरज कुंड है ये भी। ये अरावली है। अरावली। अच्छा अरावली में सूरज कुंड के पास। ये देखो भाई बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत मान्यता है भाई। जय बजरंगबली जी, 5 मिलियन करा दो भाई। अभी ऐसा लग रहा है किसी जंगल से मैं आ गया भाई, इतनी सुंदर जगह है। ये देखो सनसेट हो रहा है। तो भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं अपने को, बट मेरे को तो इनोवा ही बढ़िया लग रही है भाई, कलर चेंज कर रही है। क्या बोलते हो, तुम्हारे भाई को भी एक फार्महाउस लेना चाहिए क्या? घोड़े घोड़े दौड़ाए करेंगे उसमें, बट अभी तो जिंदगी में घोड़े नहीं बहुत बड़े वो है। तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, कोई बताएगा आइडिया? बताना भाई साहब। हम अभी जा रहे हैं, ये फोर गांव है। अच्छा। इस गांव में बावड़ी है, बावड़ी नाम से जानी जाती है। ये बहुत पुरानी मोनूमेंट्स ऐसा जो बोलता है इसे। और तो अंग्रेज रहते थे इसमें? हाँ, अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। अब जो आप देखोगे तो बहुत ही अलग आपको दिखाई देगी। 2-3 मूवीज भी इसमें बनी है, जैसे जन्नत मूवी है। तो जन्नत मूवी का जो लास्ट सीन है जिसमें इमरान हाशमी उसमें मीटिंग करता है पुरानी बावरी बोल के। अच्छा अच्छा। तो ये वो जगह है। तो भाई दिखाते हैं, भैया कह रहे थे मेरे से कि गौरव भाई तुम लेट हो गए काफी, हो गए तो गए। और दूसरी चीज ये भाई, मैं तो ये समझ नहीं आते मूवी वालों को जगह कहाँ से मिल जाती है, हम लोकल है, हमें नहीं मिलती ऐसी जगह। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन के आ जाते हैं। लोकल ही बताता हूं मैं, लोकल ही बताते हैं, लोकल बताते हैं। चलो देखो, साउथ गुड़गांव में हो अभी। अच्छा, सोना है ना? एग्जैक्ट सोना का गाँव है, एग्जैक्ट सोना नहीं। अच्छा, सोना का गाँव है जी। हीरो थे ना, हाँ, तो उनकी एक शूटिंग चल रही थी यहाँ पे काफी पहले टाइम पहले। अच्छा। तो यहीं पे वो गाड़ी में ऐसे जा रहे थे। ये देखो पूरा भयंकर जंगल है भाई, यहाँ तो भी लेपर्ड वेपर्ड होंगे, चीता वीता सब कुछ है, सब कुछ घने जंगल है। हमने खुद देखे हुए हैं। क्या क्या देखा आपने? ये लेपर्ड देखा हुआ है, बाकी ये जो गीदड़ वगैरह बोलती है, नील गाय है, सब ही है। देखो भाई इतनी भयंकर जगह, दिल खुश हो गया मेरा। देख रहे हो भाई दूर दूर तक जहाँ तक जगह जा रही है, नजर जा रही है जंगल। और ये जंगल भैया कहाँ तक है? जयपुर तक? ये हाँ राजस्थान तक जा रहा है, राजस्थान तक जा रहा है। तो भाई अभी मैं अपन ना ये वाली रेड बुल पी रहा है, पहली बार पी रहा हूँ मैं ये नॉर्मल। मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो अभी हम आ गए हैं। अच्छा, ये बिजली के तार है भाई, ये देखो। तो ज्यादा परात मत कर। तो भाई अभी अपन आ गए हैं, ये देखो भाई कितनी सही जगह है यार गाँव में। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, अंग्रेजों के टाइम सेंचुरी की बनी हुई है, 18 सेंचुरी का। अच्छा, तो यहाँ राजा रहते थे, सोते थे, क्या करते थे? जी बिल्कुल, बनाई गई थी पानी स्टोरेज के लिए। अरे भाई कितना अंदर गहरा है, मैं तो डर लग रहा है। ओ भाई बहुत ज्यादा गहरा भाई, ये देखो। तो अंदर पानी निकलता है इसमें से? पानी के लिए यूज किया जाता था पहले, और गर्मियों में ठंडा रहता था नीचे से, जो ये दिख रहे कमरे बने हुए, पूरा टैंक है। गर्मी के टाइम में इसमें अंदर ही रह लेते थे आराम से। हाँ, कि ठंडक हवा है, जबरदस्त चीज। अधिकारी आता ना अंग्रेज, हाँ वो यही रहता था गर्मी में। ओ भाई इसका तो अंत ही नहीं दिख रहा भाई, कितना गहरा है, 60 फीट गहरा है ये इसकी। वो है 60 फीट है। अच्छा, गांव वाले गिर जाते होंगे, कोई कोई बच्चे आते होंगे खेलते हैं इसमें, हादसे हो लिए ना उधर। अच्छा, लेकिन अभी इसमें पानी क्यों नहीं है? पानी भाई वाटर लेवल काफी नीचे चला गया ना, इसलिए पानी नहीं। और ये जगह जगह ऐसे गड्ढे क्यों बना रखे हैं भैया? ये सब पानी के लिए, पानी की जो काफी टेक्निक है सारी। अच्छा, समझ गया। तो अभी ये जगह यूज में है पानी की, या वैसे ही पड़ी हुई है बस? ये तो अभी
बना दिया। अच्छा तो आते हैं यहाँ पे, अभी हम तो काफी लेट हो गए इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतने सारे गड्ढे और उस गड्ढे में तो पेड़ भी उग रहा है भाई। अभी दिखाता हूँ चारों तरफ भाई घना जंगल। ये देखो भाई सनसेट वहाँ हो रहा है, सनसेट भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये एंट्री है इसके अंदर। अच्छा यही बनी थी क्या करोड़ों की थी? एक गाइस जन्नत में थी और अब दूसरी मीटिंग अब हो रही है गौरव जोन के चैनल पे। कर दे मीटिंग, नील अंदर ही करेंगे फिर। अंदर करते कार्रवाई। ये देखो भाई कितनी भयंकर जगह। तो अंदर देखते हैं क्या है इसमें जाके। ये तो और नीचे जाता जा रहा भैया, 60 फीट है बता रहा था ना। अंदर जाता जा रहा पूरा। रात में ये भूतिया पैलेस भी हो जाता है। अच्छा हाँ। आवाज आती है क्या? आवाज आती है यहाँ पे, इसलिए कोई यहाँ रहता नहीं है। यहाँ पे एक चौकीदार की जगह है लेकिन वो रात को रहता नहीं डर से, और ताला लगा देता है, लॉक कर देते हैं इसे। समझ आ, ये देखो लॉक है अभी। चलो फिर और ऊपर देखो भाई कैसे। देखो भाई बहुत पुराना पुराना और अंग्रेजों के जमाने का ही बना पड़ा। तो अंग्रेज यही सोते थे क्या गर्मियों में? अंदर ही। अच्छा अंदर ही रहता। तो भाई ये इतने से में एरिया में है भाई अभी? ये नहीं, पर अभी रात में देख नहीं पाएंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और जमीन के कितने अंदर तक है कमरे? ये 60 फीट गहराई है इसकी भी। 60 फीट जी। 60 फीट कितना होता है गुरु? 6 मंजिल। और क्या बात कर रहे हो यार, हैं? अरे बाप रे बाप, तभी तो पानी की ठंडक से ठंडक रहेगी इसमें अंदर। हां इतनी गहराई होने के बाद तो 60 फीट तक हम नीचे जा सकते हैं? वैसे जा सकते हैं, दिन में आते तो दिन में आते तो जा सकते थे, अभी तो लॉक लगा हुआ है। गुरु कल फिर दोबारा आएंगे। आएंगे नीचे जाना है 60 फीट नीचे। नीचे चल रहे हैं, डील करनी है वहाँ। हाँ डील करेंगे। सही है भाई। तो भाई देख रहे हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा जंगल भाई, घना जंगल है भाई। अभी ना खाना खा के जाएंगे अपन, तो देखते हैं यहाँ पे खाना वाना खाते हैं थोड़ा। तो आ जाओ भाई साहब आ जाओ। तो अभी हम चलते हैं खाना वाना देखते हैं भाई कैसा बना। कहाँ यहीं पे अंदर? अरे वाह अरे भाई बहुत सही है यार, ये तो बहुत सुंदर कमरा बना रखा है। ये तो रेस्टरूम है, उधर मेन ऑफिस है। मेन ऑफिस, ये ऑफिस है भाइयों का। तो अभी बैठते हैं खाना खाते हैं भोजन करते हैं। ये ऑफिस है भाइयों का, दिखाता हूँ ऑफिस। अरे जय श्री राम। अरे शूज पहने हुए हैं। तो ये ऑफिस है बहुत सुंदर बना रखा है। तो ये मैप है, कौन सी जगह का मैप है सर? ये पूरा सोना का। अच्छा ये सोना का मैप है भाई, देखो बहुत बढ़िया सेटअप बना रखा है। प्रॉपर गांव में है गाइस ये, जंगलों में। ये देखो उस साइड देखोगे ना, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। कभी कभी तो ऐसा होता है वो चीता भी आसपास आता हुआ। हाँ यहाँ से निकल जाते हैं या गाड़ी। हाँ भाई सोना बहुत सुंदर जगह भाई। सो भाई अभी ना अपना गर्मा गर्म दूध आ गया है। गाय का भैंस का ही? ये भैंस का दूध। भैंस का दूध, आह भाई क्या स्वादिष्ट, मतलब अलग ही पता लग रहा है। हम पीते हैं ना मदर डेरी का भाई, उसमें स्वाद ही नहीं आता, इसमें कितना स्वाद है। हाँ क्या रिपोर्ट है डेली का भाई? क्या दूध? डेली दूध तो यार मेरा भी डेली का ही है। तो भाई जाने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, इन दो लौंडों ने क्या बढ़िया खाना। क्या नाम है भाई? नीरज। और भाई लोकुस। लोकुस भाई इन्होंने एक नंबर खाना बनाया भाई, दिल खुश हो गया। ये जो भाई ऑफिस देख रहे हो ना भाई, जग्गू भाई का ऑफिस। और भाई जग्गू भाई का यहाँ अच्छा खासा नाम है, और ये ना फ्यूचर में इलेक्शन में भी खड़े होंगे, तो अपने को सपोर्ट करना है भाई गौरव जोन आर्मी को। उस टाइम आएंगे अपन मिलेंगे बताऊंगा। तो अभी हो गया गाइस यहाँ से चलने का टाइम, तो अभी चलते हैं। अच्छा मैं एक चीज तो बताना भूल गया कि भाई आकाश ने कौन सा कैमरा लिया। देखो ये वाला कैमरा ये आकाश का है। हाँ ये लिया आकाश ने, स्क्रीन ना आगे आ जाती करके दिखाई हो। हाँ ये देखो स्क्रीन आगे आ जाती है और ब्लॉगिंग करने में आसानी होती है, ठीक है। और ये है कौन सा है? सोनी A7 IV है, और मेरा सोनी A7 III है। देखो ये मेरा वाला है, इसमें स्क्रीन आगे नहीं आती, इसमें पीछे ही रहती है ऐसे। तो मैं ना बनाना भूल गया था, मैंने कहा ये चीज बता दो आकाश ने कैमरा लिया कौन सा है, ठीक है। और किट लेंस है इसका, मेरा 1635G Master है, तो यही है। बट मैं करता था अभी मोबाइल से, और करता ही मोबाइल से ही रहूंगा भाई। तो भाई क्या जमाना है, ओला की डिग्गी पे बैठा के कॉलेज के बंदे घूम रहे भाई। कॉलेज में सही फन करते थे हम, तेरी का। तो ये मेरे को अपने कॉलेज के दिन आ गए भाई, मजे तो भाई यही ले रहे हैं हम जैसे बंदे, तो बस घिस रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में। है इधर से उठना, इधर जाना, इधर काम करना, उधर जाना। सो भाई लोग अभी सीन ऐसा है ना, अपने गाने की शूटिंग ना पूरी चालू हो गई, और मैं बताना भूल गया कि भाई जो मैं जगह देख के आया था ना, ये मतलब गाने की शूट के लिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चरें बनती है। तो हमने अपने मेरे जो गाना शूट होना है उसकी लोकेशन देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके बताना कैसी लगी लोकेशन। और फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ शूट हो रहा है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा क्या शूट हो रहा है। तो अभी यार इतना व्लॉग रखते हैं क्योंकि जल्दबाजी में हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। रोड पार कर लूँ।